Hi friends, welcome back to my channel Kitchen Mania by Preeti. Hope you all are doing good. So this time I'm back with a sweet recipe for the sweet cravings. Here it is, the chocolate stuffed wheat loaf or tea time cake. This is slightly different from chocolava cake and this will have melt in mouth chocolate when you have that bite. So let's get started. सबसे पहले हमें यहाँ डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने अमूल की 70% डार्क चॉकलेट ली है। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं जो ज़्यादा स्वीट हो, because I don't prefer much sweet, so I've taken a dark chocolate over here। तो इसे हमें एकदम गाढ़ा ही मेल्ट करना है। इसमें हम पानी या मिल्क कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप, चॉकलेट हमारी मेल्ट होने लगी है। इसी तरह से हमें सारे के सारे चॉकलेट डाइसेस को स्मूथ होने तक मेल्ट करना है। तो चॉकलेट मेल्ट करके हम साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी करते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल लेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ फटाफट बनाएंगे ये केक। कोको पाउडर, विनेगर, आटा, दूध, बेकिंग पाउडर, सोडा, ऑयल, शुगर और ब्रेड क्रम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल में ऑयल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अराउंड 30 ग्राम्स ऑयल लिया है जिसे हम एक बोल में डाल लेंगे। और अगर आप ऐसे देखें तो 4 चम्मच ऑयल लिया है मैंने, 4 छोटे चम्मच से ऑयल लिया है। इसे हम एक बोल में डाल लेंगे और इसके अंदर हमें शुगर डिजॉल्व करनी है। आप नॉर्मल वाइट शुगर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर यानी कि कंट्री शुगर को लिया है और हम इसे अच्छी तरह से डिजॉल्व होने तक मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे रफली भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि उसका जो एक टेक्सचर आता है वो भी बढ़िया ही आता है। तो चलिए, शुगर हमारी मिक्स हो रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे कि केक बहुत ही बढ़िया राइज होगा और बहुत यमी बनेगा। यहाँ पर मैंने एक ब्राउन ब्रेड को रफली क्रम्बल कर लिया है और अब इस मिक्सचर के साथ मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ये बहुत ही क्विक और रफ हैंडेडली बनने वाला केक है। तो ब्रेड को हमने शुगर और ऑयल के साथ फटाफट से कर लिया मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे वीट फ्लार। तो यहाँ पर मैंने एक कप वीट फ्लार लिया है। इस वीट फ्लार के साथ हमें ब्रेड शुगर को मिक्स करना है। हमने यहाँ पर 4 चम्मच कोको पाउडर लिया है क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैं इसे फ्लेवर दे रही हूँ कोको का। बेकिंग पाउडर जाएगा, साथ में जाएगा बेकिंग सोडा। चलिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार रफली मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं एक्सेप्ट द लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम बाद में डालते हैं फ्लफ के लिए। तो इसे हम रफली मिक्स कर लेंगे और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क डालते जाएंगे और मिल्क के साथ बैटर को स्मूदन करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर एक कप मिल्क लिया था, उसके ऊपर से मुझे ऑलमोस्ट आधा कप और मिल्क लगा बैटर को अच्छी तरह से स्मूद करने में। तो इस प्रपोर्शन के हिसाब से मुझे 1.5 कप मिल्क लगा इस स्मूथ बैटर को प्रिपेयर करने के लिए। आपको इससे कम या ज़्यादा मिल्क भी लग सकता है। ये सब कुछ फ्लोर की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। और मैंने यहाँ पर ब्रेड को बहुत रफली क्रम्बल किया था। अगर आप उसे पाउडर करेंगे तो शायद आपको कम मिल्क लगे। तो यहाँ पर हमारी मेल्टेड चॉकलेट भी है रेडी और बैटर भी प्रिपेयर हो चुका है। चॉकलेट इसी तरह से थिक रखनी है, इसे हमें लिक्विड नहीं करना। आप कोई और चॉकलेट भी ले सकते हैं या फिर डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बैटर रेडी है। बैटर में हम लास्ट इंग्रेडिएंट डाल देते हैं विच इज़ 1 स्पून ऑफ विनेगर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डालेंगे बैटर टिन में। तो चलिए, बैटर परफेक्टली रेडी है और अब हम इसे डाल देते हैं लोफ में। मैं इसे एक लोफ टिन में बना रही हूँ तो हम इसे ग्रीस किए हुए और व्हीट फ्लार से डस्ट किए हुए टिन में डाल देते हैं। एक लेयर जाएगा बैटर का। सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ बैटर शुड बी। दिस इज़ नॉट सो थिक, नॉट सो लिक्विडी। दिस इज़ हाउ द बैटर शुड बी। इसे थोड़ा सा टैप कर लीजिए। और चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट या फिर कोई भी दूसरी चॉकलेट जो आप लेना चाहें। तो आपकी मर्जी कि आप कितना स्टफ करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है
और थोड़ा सा कैलोरी कॉन्शियस होकर के बनाया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जेनरसली इसे स्टफ कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा एक और लेयर बैटर का, जो बचा हुआ बैटर है आप इसे हाफ हाफ कर लीजिए, एक नीचे वाली लेयर में हाफ डाल दीजिए और ऊपर आप बचा हुआ पूरा बैटर अच्छे से पोर कर दीजिए, जिससे कि चॉकलेट जो है हमारी कवर हो जाए। तो जब तक मैं ये सारी प्रेपरेशंस कर रही थी, मैंने अपने माइक्रोवेव को 150 डिग्रीज पर प्री हीट होने के लिए रख दिया। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करके 45 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। तो चलिए हमारा केक रख देते हैं अंदर और इसे हम बेक करेंगे 45 मिनट्स के लिए। तो मुझे टोटल 40 मिनट्स लगे, आप 45 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं, बट बीच में कुक चेक ज़रूर कर लीजिए। आइए चेक कर लेते हैं कि केक बेक हो गया है कि नहीं। पूरे घर में चॉकलेट का बढ़िया सा अरोमा आ गया है और ये देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है, टूथपिक इज कमिंग आउट क्लीन। लुक एट द चोको स्टफ्ड लोफ, इजंट इट टेम्पटिंग, लुक एट दिस द परफेक्ट टेक्सचर, कितना बढ़िया राइज हुआ है। और ये कमाल है ब्रेड का, जिसमें ऑलरेडी ईस्ट है और हमें एडेड ईस्ट की ज़रूरत नहीं। तो चलिए केक को कर लेते हैं अनमोल्ड और इसे करते हैं बाइट साइजेस में कट। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ट्राई आउट दिस झटपट बनने वाला रफ हैंडेड केक, जो कि बहुत ही यमी है, एंड आई एम श्योर योर फैमिली and your kids are going to like it. Don't forget to hit the bell icon to get regular updates on my videos and new recipes. You can also follow me on Facebook and Instagram, and for detailed recipes do check the description box. So let's garnish this a little and beautify it more. Abhi to it is absolutely tempting and I can't wait more to relish this. So do try and enjoy this yummy chocolate stuffed hot loaf cake or chocolate tea cake at your home with your family and your kids. Stay home, stay safe, take good care of yourself and your family, near and dear ones. I'll see you in my next video with a new innovation or some easy recipe with good presentation tips. Till then, take care. Bye-bye.